रहीम अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अली हसन और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द एकेडमी ऑफ नॉलेज। फ्रेंड्स, नादरा पाकिस्तान की जानिब से ज़बरदस्त जॉब्स का ऐलान किया गया है, जिसकी ऑफिशियल वीडियो जो है मैं यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपने अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लाजमी जाकर उस वीडियो को देखेगा, ताकि आप अपने मुतलका शहर जिसमें वॉकन इंटरव्यू का एहतमाम किया गया है उसके लिए आप जाके मुकर्रर तारीख के अंदर अप्लाई कर सकें, और जो मतलूबा डेट आपको बताई गई है आप बर वक्त उस डेट पर हाज़िर होकर जो है टेस्ट दे सकें और अपनी सीट रिज़र्व करवाएं। तकरीबन पाकिस्तान के 500 सूबों के अंदर जो है जॉब्स अनाउंस की हैं। ये बेसिकली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो नादरा ने इंट्रोड्यूस करवाया है, जिसमें 500 सूबों के बेशुमार शहर जो है शामिल हैं और तकरीबन 1000 प्लस वैकेंसी जो है वो जनरेट हुई है नादरा के अंदर। बेसिकली इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताना है कि जो जिस टेस्ट के लिए आपने तैयारी करनी है वो आपका टेस्ट किस तरह से होगा और टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। तमाम जो चीज़ें हैं मैं इंशाल्लाह ताला डिटेल के साथ आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगा, और कोशिश करूँगा मैं इंशाल्लाह ताला के उन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके लिंक जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड कर दूँ, ताकि आप आसानी से जाकर उसको समझ के तैयारी कर सकें। तो चलिए जी फ्रेंड, स्टार्ट करता हूँ बकायदा अपनी इस वीडियो को। जी तो फ्रेंड्स, आपने सबसे पहले नादरा को सर्च कर लेना है गूगल ऑप्शन पर जाकर। जैसे ही आपके पास इस टाइप की विंडो ओपन होगी तो आपको यहाँ पे कैरियर्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही आप कैरियर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके पास नादरा कैरियर्स की जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास करंट ओपनिंग्स हैं, यानी जो जो भी जॉब्स नादरा के अंदर ओपन है वो आ जाएंगी। तो ये वरना आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे भी स्क्रॉल करते हुए आपको ये नज़र आ जाएंगी। तो बेसिकली हम यहाँ से क्या करते हैं कि जब हम करंट ओपनिंग के अंदर चले जाएँगे तो आपके पास तमाम ये जो है जॉब की मालूमात ओपन हो जाएगी, क्योंकि ये जूनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम के मतलब हम यहाँ पे बहस कर रहे हैं। तो देखें, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको तमाम इन्फॉर्मेशन इस जॉब के रिलेटेड यहाँ पे नज़र आ जाएगी। अब हम बढ़ते हैं कि अब हमने यहाँ पे इसके जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि हमने इसका सिलेबस चेक करना है। तो देखिए जी, सिलेबस की विंडो जो है वो आपके सामने ओपन हो गई है, जिससे आपने तैयारी करके मुकर्रर तारीख पर टेस्ट के लिए जाना है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैं इस पीडीएफ को डाउन स्क्रोल करता हूं तो सबसे पहले आपको टाइपिंग टेस्ट के बारे में बताया गया है। टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या कह रहा है कि आपको एक पैराग्राफ जो है स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले होगा, जिसको आपने क्या होगा टाइप करना होगा दिए हुए टाइम के अंदर। ठीक है कि आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ये टेस्ट होगा, आपने अपनी स्क्रीन के ऊपर जो टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा आपने उसको मुकर्रर टाइम के अंदर कॉपी करके लिखना है। उसके अंदर जो है वो जितनी आप गलतियां करेंगे या जो भी आप टेस्ट के दौरान टाइम आपका ज़्यादा लगेगा, जो भी चीज़ें हैं तमाम वो जो हैं इसके लिए मैटर करेंगी। ठीक है, इसके साथ आपको कहता है कि स्क्रीन के ऊपर आपका टाइमर जो है वो हाईलाइट हो रहा होगा, और जो चीज़ आप इनकोरेक्ट लिखते जाएंगे वो आपकी रिगार्डिंग रिमेनिंग जो है वो टाइम के अंदर मिस्टेक आप उसको ठीक भी कर सकते हैं उस टाइम के अंदर। तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो दूसरा टेस्ट होगा वो आपका इंटेलिजेंस टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आपको एमसीक्यूजी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। स्टेटमेंट होगी जिसके चार ऑप्शंस दिए होंगे, उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। तो ये देखें, आपको कुछ इंटेलिजेंट टेस्ट बताए गए हैं, आप इनकी तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद देखें जनरल नॉलेज का आपका जो है वो नेक्स्ट टेस्ट होगा, जिसके अंदर भी एमसीक्यूजी की क्वेश्चन होंगे, और उसमें से चार ऑप्शन में से कोई एक दुरुस्त आंसर आपने चूज़ करना होगा। उसके बाद आपको एरर चेकिंग के मुतालिक बताया जाएगा, यानी कोई इंग्लिश के फिकरात हैं, ठीक है, इन कैपिटलाइजेशन यानी बड़ी एबीसी के हिसाब से आपने उसको अरेंज करना है। ठीक है, जो भी आपको नंबर्स यहाँ पे दिए गए होंगे, तो जैसे ये आपके बताया हुआ है कि आपने इनको ठीक करना है, ये भी कुछ एग्जांपल्स हैं आप इसको देख सकते हैं। और उसके बाद जो है बेसिक इंग्लिश जो है उसके मुतालिक, जिसमें सैनोनम्स हो सकते हैं, कोई फिकरात हो सकते हैं और अल्फाज मुतजाद हो सकते हैं, ठीक है, वो आपसे इंग्लिश में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जनरल साइंस का टेस्ट होगा, जनरल साइंस आप देख सकते हैं। और इसकी तैयारी के लिए बेसिकली आप देखें कि ये जॉब इंटरमीडिएट लेवल तक है, ठीक है, तो इंटरमीडिएट लेवल तक जो तमाम आपने बुक्स वगैरह पढ़ी हैं, आलमोस्ट तमाम ये जो डाटा है उसी में से ही उठाया जाएगा,
और कोई भी चीज़ इससे हायर देन या इससे ज़्यादा बड़े लेवल की नहीं हो सकती। तो आपने जो मौजूदा अपनी किताबें पढ़ी हैं इंटर लेवल तक, तमाम के तमाम क्वेश्चन जो हैं वो उन्हीं से पूछे जाएंगे। देखें, बेसिकली इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने बीए किया है, आईसीएस किया है, एफएससी की है। बेसिक चीज़ जो आपको बताई गई है कि आपने जनरल नॉलेज तैयार करनी है, ठीक है। इंग्लिश की ग्रामर वगैरह अगर आपको आती है, कोई आपने गलतियाँ चेक करनी है इस डाटा के अंदर, ठीक है। इंग्लिश के जो है अल्फाज मुतजाद या सैनोनिम्स वगैरह सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर आपने बेशुमार किए हैं। और दूसरी चीज़ जनरल साइंस, साइंस के जनरल जनरल सवाल आते हैं, यानी ये वो सवाल आते हैं जो बायो केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने वाले ने भी पढ़े हैं, और साथ ही साथ जो आर्ट्स में लोग पढ़े हैं या जिन्होंने जनरल साइंस जैसा सब्जेक्ट पढ़ा है उनके लिए भी ये तमाम वहाँ पे मालूमात मौजूद थी। तो ये थी फ्रेंड्स मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको पसंद आए, आपके किसी दोस्त अजीज़ रिश्तेदार के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हो, तो उसके साथ आपने इसको ज़रूर शेयर करना है। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।